विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषी प्रथमो भाग के षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालक के भाग दो का अध्ययन करेंगे। और भाग दो का हमारा शीर्षक है विद्यार्थियों, भ्रांत बालकस्य व्यवहार परिवर्तनम, अर्थात जो भ्रमित बालक था उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। विगत कक्षा में विद्यार्थियों हमने जाना था कि जो भ्रमित बालक है, पथ से भ्रष्ट बालक है, वह बालक उद्यान में चला जाता है और वहाँ पर जो मधुकर है उससे मित्रता कर उसके साथ खेलने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे दूर हटा देते हैं और यह कहते हैं कि हम हमारे कार्यों में संलग्न हैं, अतः हम आपके साथ नहीं खेल सकते। तो चलिए विद्यार्थियों, अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। अब विद्यार्थियों, तदा से बालक, तब वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, मिथ्या से तात्पर्य है झूठ, और कीटेन से क्या तात्पर्य है, कीड़ों के द्वारा, अर्थात कीड़े के द्वारा। अगर बहुवचन होगा तो क्या कहेंगे, कीड़ों के द्वारा, और एकवचन का होगा तो कीड़े के द्वारा, इस प्रकार से हम कहेंगे। इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणशालादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। अब जो हमारी प्रथम पंक्ति है हम उसका अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। देखो, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या गर्वितेन मतलब झूठे गर्व वाले कीड़े से, अलम भाषणेन मैं वार्ता नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, इस जो झूठ बोलने वाले अर्थात झूठे गर्व से युक्त कीड़े से मैं बात नहीं करता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके अन्यत्र दत्त दृष्टि, वह अपनी दृष्टि दूसरी तरफ देता है, अर्थात वह अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर लेता है, घुमा लेता है। तो दत्त दृष्टि निगाह करके, अर्थात जो हमारी जो उसकी दृष्टि है उस दृष्टि को वह घुमा लेता है। तब चंचुआहा तृणशालादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। आददानम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, ले जाते हुए। एकम चटकम, चटकम से क्या तात्पर्य है, चिड़िया। अब देखिए, अन्यत्र जब उसकी दृष्टि अन्यत्र जाती है तब चंचुआ तृणशालादिकम, चोंच के अंदर जो घास का तिनका है उसको ले जाती हुई एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा। जब जो बालक था उस बालक की जो दृष्टि थी दूसरी तरफ जाती है तो दूसरी तरफ वह क्या देखता है कि एक जो चिड़िया है वह अपनी चोंच के अंदर घास का तिनका दबाए हुए ले जा रही है। अवदत् च, कहता है, आई चटक पोत है, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्य मेरे मित्र हो। अर्थात वह चिड़िया से कह रहा है कि क्या मनुष्य तुम्हारे मित्र हो, एही क्रीडावह, हम खेलेंगे। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, यह जो सूखा घास का तिनका है उसको त्यागो, त्यज यानी त्यागो। स्वादूनी भक्ष्य कवलानी, जो स्वादिष्ट भोजन है उनकी कोर को, भक्ष्य कवलानी मतलब खाने योग्य, स्वादिष्ट खाने योग्य जो भोजन है उसकी कोर, ते दास्यामि, तुम्हें दूंगा। अब वह जो चिड़िया है उस चिड़िया के से वार्ता करते हुए कहता है कि तुम जो ये घास का तिनका है उसे त्याग दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजनों की जो कोर है वह दूंगा। सैतु मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। वह तो मेरे द्वारा वटद्रुमस्य, अर्थात जो वट वृक्ष है उसकी जो शाखा है, उस शाखा के जो नीड है अर्थात जो घोंसला है उसके कार्य में संलग्न है। तो वह क्या कहती है विद्यार्थियों कि मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मेरा जो वटवृक्ष है उसकी जो शाखा है उसके अंदर घोंसला बनाने का कार्य है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्।
ऐसा कहकर वह अपने काम में संलग्न हो जाती है, अपने काम की ओर अग्रसर हो जाती है। अब हमें यह देखा कि यहाँ पर भी जो बालक है उसका जो साथी है खेलने के लिए वह उपलब्ध नहीं हुआ। तो चलिए विद्यार्थियों, जो हमारा गद्यांश है, जो हमारी यहाँ तक की कथा है, उसके जो व्याकरणक पद हैं उनको हम देखते हैं। अब हमारे पास में विद्यार्थियों पहला पद है कीटेन। कीटेन से क्या तात्पर्य होता है? मधुकरेण। मधुकरेण इसका अर्थ है। और जो कीट पद है विद्यार्थियों, वह अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? कीटेन। अर्थात जो अकारांत का पद है तृतीय विभक्ति और एक वचन में बनेगा कीटेन। अन्यतः। अन्यतः से क्या तात्पर्य है? अन्य प्रकारेण, अर्थात दूसरी प्रकार से। अन्यत पद के अंदर विद्यार्थियों तसिल प्रत्यय लगने से क्या रूप बनता है? अन्यतः। अब हम देखते हैं कि जो पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से विद्यार्थियों? जो पंचमी विभक्ति है उस पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जो तसिल प्रत्यय है उसके अंदर तह शेष रहता है। और शब्द किस प्रकार से बनता है? जैसे हमारे पास विद्यार्थियों शब्द है सागर, तो सागर में अगर तसिल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? सागर तह। देखिए किस प्रकार से हमारे पास सागर है, उसके बाद में हमने लगाया उसमें तसिल प्रत्यय, और पद क्या बना हमारे पास में? सागर तह। उसी प्रकार से विद्यार्थियों प्रयाग तसिल क्या बनेगा पद? प्रयागतः है। उसी प्रकार से जयपुर धन तसिल, तो क्या बनेगा पद? जयपुर तह, अर्थात जयपुर से। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। अपश्यत। अपश्यत से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? दृष्टवान, देखा। दृश्य धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? अपश्यत। भविष्यसी। भविष्यसी विद्यार्थियों क्या है? भू धातु का रूप है और लृट लकार का है, अर्थात जहां पर भी भविष्यत अर्थ की बात होगी वहां पर लृट लकार होगा। और मध्यम पुरुष एक वचन में उसका क्या रूप बनता है? भविष्यसी। क्रीडावह। क्रीडनम कुर्वह, अर्थात क्रीड धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? क्रीडावह। इसके रूप कैसे चलेंगे विद्यार्थियों लट लकार के अंदर? क्योंकि हमारे पास जो लट है वह वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब पद है क्रीडावह, तो किस प्रकार से चलेंगे? क्रीडति क्रीडतः, क्रीडन्ति क्रीडसी क्रीडतः, क्रीडत क्रीडामि क्रीडावह क्रीडामः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। दास्यामि। दास्यामि दानम करिष्यामि। दा धातु है लृट लकार। लृट लकार किस अर्थ में होता है? भविष्यत अर्थ में। और उत्तम पुरुष एक वचन में हमारे पास रूप क्या बनता है? दास्यामि। चलिए विद्यार्थियों अब हम हमारी कथा की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारी कथा के अंदर आगे उसे क्या प्राप्त होता है। तदा खिन्नो बालक है। तब खिन्न बालक। खिन्न से क्या तात्पर्य है? दुखी बालक। एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छति, अर्थात ये जो पक्षी हैं वह मनुष्य के साथ नहीं आएंगे, अर्थात मनुष्य के साथ नहीं खेलेंगे। अब बालक ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है कि जो पक्षी है वह मनुष्यों के साथ नहीं खेलेंगे, तो आगे क्या होता है विद्यार्थियों? तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत। अब देखिए इसका शुरू से देखते हैं। तद अन्वेषयामि, तब मुझे उसके बाद ढूंढना होगा अपरम मानुषोचितम, अर्थात दूसरा जो मनुष्यों के लिए उचित हो। और क्या उचित हो? विनोदई तारम, अर्थात उसके मनोरंजन के लिए, अर्थात जो मनुष्यों के मनोरंजन के लिए उचित हो वह हमें दूसरा ढूंढना होगा। इति विचिन्ते, ऐसा विचार करता हुआ, इस प्रकार से विचार वह करता है। और विचार करने के दौरान क्या देखता है? पलायमानम कमपि श्वानम
अवलोकयत। पलायमानम से क्या तात्पर्य है? भागते हुए को, अर्थात दौड़ते हुए को। किमपि किसी, श्वानम, श्वानम से क्या तात्पर्य है? कुत्ते को। अवलोकयत देखता है, तब वह इस तरह का विचार करते हुए भागते हुए कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालः, प्रीतो से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? प्रसन्न होता हुआ, बालक प्रसन्न होता है। जिस विचार को वह मन में रखकर सोच रहा था, विचार कर रहा था, वह विचार उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, तो उसको देखकर बालक प्रसन्न होता है। तम इत्तम संबोधयत, और वह उसको संबोधित करता है इस प्रकार से कि रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम प्रयटसी, क्यों घूम रहे हो। प्रयटसी से क्या तात्पर्य है? भ्रमण, अर्थात क्यों भ्रमण कर रहे हो अथवा घूम रहे हो। अस्मिन निधाग दिवसे, निधाग दिवसे मतलब गर्मी के दिन में, इन गर्मियों के दिन में क्यों भ्रमण कर रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस सघन छाया के अंदर जो वृक्ष है उसके नीचे आश्रय लेओ, अर्थात यहाँ पर आ जाओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामि इति, मैं भी क्रीड़ा की सहायता के लिए, क्रीड़ा के सहयोगी के लिए तुम्हारे ही अनुरूप देख रहा था, अर्थात मैं तुम्हारे ही अनुरूप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर रहा था, विचार कर रहा था। अब विद्यार्थियों, हम जो इसके पद हैं उनका एक बार व्याकरणात्मक रूप देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास में पद है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर उस जो पद है उसका परिचय है। बालक है, हमारे पास क्या पद है विद्यार्थियों? बालक है। बालक है किसे कहते हैं? बालक को। और यहाँ पर जो अर्थ प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए हुआ है? भ्रमित बालक के लिए, तो भ्रांत है बाल है। यह क्या है विद्यार्थियों? अकारांत का पद है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर क्या बनता है? बालक है। और इसके रूप कैसे चलते हैं? बालक है, बालकौ, बालकाहा, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। एते, एते विद्यार्थियों यहाँ पर पक्षियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, पक्षिण है। एतत सर्वनाम का पद है, जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? एते। अब उसी प्रकार से विद्यार्थी देखो, पक्षिण है अर्थात चटकादय, जो चटक आदि जो पक्षी हैं उनके बारे में यहाँ पर अर्थ लिया गया है। पक्षिण शब्द है, नकारांत है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन के अंदर क्या रूप बनेगा विद्यार्थियों? पक्षिण। तो हमारा पद क्या बना? पक्षिण। परिक्रम्य, परिक्रम्य से क्या तात्पर्य है? परिभ्रमणम कृत्वा, और उसका पद किस प्रकार से बनेगा? परि उपसर्ग है, क्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, और पद क्या बना? परिक्रम्य। यहाँ पर हरलंत है विद्यार्थियों, हम इसे सही कर लेते हैं, परिक्रम्य। इदम, इदम से क्या तात्पर्य है? एतत। इदम शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? इदम, अर्थात जो पद है वह द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा विद्यार्थियों? इदम। अब हमारे पास है विद्यार्थियों त्वाम, त्वाम से क्या तात्पर्य है? भवंतम, भवंतम कैसे बनता है? युष्मद का पद है विद्यार्थियों, और युष्मद सर्वनाम है, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? त्वाम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? त्वाम। अब विद्यार्थियों हम हमारी कथा की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारी कथा के अंदर क्या है। अब विद्यार्थियों, कुक्कुरः प्रत्यवदत्, जो श्वान था, जो कुत्ता था, वह प्रत्युत्तर देता है, और प्रत्युत्तर क्या देता है? यो माम पुत्र प्रीत्या, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम इसद अपि, इस प्रकार से वह अपना प्रत्युत्तर देता है। देखिए विद्यार्थियों, यह एक श्लोक के रूप में है, अब श्लोक के रूप में आया है तो हम इसका अन्वय करते हैं।
देखिए हमारे पास जो अन्वय है वह इस प्रकार से है, यह माम पुत्र प्रीत्या पोषयति तस्यः स्वामिनः गृहे रक्षा नियोग करणात् मया इसदपि न भ्रष्टव्यम् इति। यह जो माम मुझे पुत्र प्रीत्या पोषयति पुत्र के प्रेम के समान पोषण करता है, तस्य स्वामिनः गृहे उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणात् रक्षा के लिए नियुक्त मया इसदपि मेरे द्वारा थोड़ा सा भी न भ्रष्टव्यम अर्थात भ्रष्ट नहीं होऊंगा, अर्थात मैं लेश मात्र भी भ्रष्ट नहीं होऊंगा। अर्थात जो श्वान है वह अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करता है। चलिए अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं और समझते हैं। भ्रांतः बालकः यदा कुक्कुरम क्रीडनाय कथयति, जब भ्रमित बालक और पथ से भ्रष्ट बालक जो श्वान है उसको खेलने के लिए कहता है, तब तदा तब कुक्कुरः भ्रांतं बालकं प्रति वदति, जो भ्रांत बालक है भ्रमित बालक है उसको कहता है, क्या कहता है कि यह अर्थात स्वामी मम पुत्रवत स्नेहेन पोषणम करोति, मुझे पुत्र की तरह पोषण करते हैं पुत्र की तरह पालते हैं। तस्य स्वामिनः उस स्वामी के गृहस्य घर की सुरक्षा कार्य मया न सुरक्षा कार्य को मेरे द्वारा न कदापि त्यक्तव्यम मेरे द्वारा कभी भी त्यागा नहीं जाएगा। स्वामिनः गृहस्य रक्षणम मम कर्तव्यम अस्ति, जो स्वामी है जो मेरा मालिक है उसके घर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा वह श्वान प्रत्युत्तर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वे एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन, निषिद्धः से क्या तात्पर्य है, मना किया, सभी के द्वारा इसी प्रकार से मना किया, वह बालक भग्न मनोरथ है अर्थात जो उसका मन है वह दुखी हो जाता है, दुखी मन होते हुए कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, किस प्रकार से इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति स्व स्व कार्य निमग्नो अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। न कोपि मामीव व्रथा कालक्षेपम सहते, कोई भी नहीं मेरी तरह अपने समय को व्यर्थ करता है। नम एतेभ्यः नमस्कार है इनको, यही मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा, तंद्रालुतायाम से क्या तात्पर्य है, आलस्य में घृणा भाव समापादिता, अर्थात जो व्यक्ति हैं इन जो व्यक्ति हैं उनको मेरा नमस्कार है, क्यों इन्होंने मुझे जो आलस्य है उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न करवाया है, अर्थात मेरे मन के अंदर अब जो आलस्य है उसके प्रति घृणा भाव है। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि, अर्थात जो मेरे लिए उचित है वह मैं करूँगा। इति विचार्ये त्वरितम शीघ्रता से, शीघ्र ही ऐसा विचार करके वह शीघ्र ही पाठशालाम अगच्छत, पाठशाला में गया अर्थात विद्यालय में गया। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वेदुषीं प्रथाम संपदम च अलभत, अर्थात वह उसके बाद ततः प्रभृति उसके बाद सह विद्याव्यसनी भूत्वा वह विद्या में संलग्न हो गया और महती वेदुषीं महान विद्वता को प्राप्त कर, प्रथाम मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त कर, महान विद्वान वाली प्रसिद्धि को प्राप्त कर, संपदम च अलभत संपत्ति को प्राप्त किया, अर्थात वह उसके पश्चात विद्या अध्ययन करके महान विद्वता को प्राप्त करता है और प्रसिद्ध होता है, और उससे जो विद्वता प्राप्त होती है उससे वह बहुत अधिक संपदा को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो हमारा भ्रमित बालक था वह एक महान संपदा को प्राप्त करता है और विद्या व्यसनी हो जाता है, विद्या में संलग्न हो जाता है।
विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी जो कथा है वह समाप्त होती है, लेकिन जो हमारे पद हैं उनका जो व्याकरणात्मक रूप है वह हमें देखना है। तो हम जो हमारे व्याकरणात्मक पद हैं उनको देखते हैं। हमारे पास पद है निषिद्ध। निषिद्ध से क्या तात्पर्य है? अस्वीकृत। यहाँ पर नि उपसर्ग है, सिद्ध धातु है और त प्रत्यय है। अब विद्यार्थी हमारे पास में है जगति। जगति का मतलब होता है संसारे। जगति संसारे, यह सप्तमी का पद है इसलिए जगत में। यहाँ पर भी सप्तमी का पद हुआ है संसारे। जगत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, और उसमें रूप क्या बनता है? जगति। निमग्न। निमग्न से क्या तात्पर्य है? संलग्न है, लग्न है, अकारांत है, पुलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? निमग्न। भवति। भवति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? अस्ति। यहाँ पर भू धातु है, लटलकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, और उसका रूप क्या बना है? भवति। भू धातु है, लटलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन में क्या रूप बना? भवति। एतेभ्य। एतेभ्य यहाँ पर अर्थ लिया है प्राणिभ्य, और एतत् शब्द सर्वनाम का है, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? एतेभ्य। उसी प्रकार से यही प्राणी भी, यद पुल्लिंग का रूप है विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? यही। या, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यही। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं और पद क्या बनता है? यही। कुत्सा। कुत्सा से क्या तात्पर्य है? घृणा। उकारांत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या बनता है विद्यार्थियों? कुत्सा। इस प्रकार से जो हमारा पाठ है विद्यार्थियों, जो हमने कथा पढ़ी है, उस कथा में हमने जाना कि हमें व्यर्थ में जो हमारा समय है वह नहीं निकालना चाहिए, अर्थात हमें निरंतर कुछ न कुछ जो हमारे लिए उपयोगी है हमें करते रहना चाहिए। हमने इस पाठ से यही सीखा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने हमारे जो पाठ है उसके द्वितीय भाग का अध्ययन किया। अब हम प्रश्नोत्तरों के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।